बहुत विनम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए, छल कपट में तो सिर्फ महाभारत ही रची जाती है यारों। दोस्तों, जब हमारे महाभारत के भगवानों ने दो दो तीन तीन शादी कर रखी है तो इंसानों का तो कहना ही क्या। जिन्होंने भगवानों को पीछे छोड़कर कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे शायद भगवान भी ऊपर से देखते होंगे तो ये जरूर कहते होंगे, वाह रे मेरी लीला आज क्या रंग लाई। खैर दोस्तों, ये बातें तो कुछ मजाक तक थी, लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड जगत की कुछ ऐसे अभिनेत्री और अभिनेताओं से रूबरू करवाएंगे जिनका तलाक पड़ा उन्हीं पर भारी। जी हाँ दोस्तों, तलाक जो किसी रिश्ते को खत्म करने या यूं कहें बिल्कुल खत्म करने के लिए काफी है। तो आखिर कौन है वो सेलिब्रिटीज जिनका तलाक उन पर पड़ा भारी, जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपको जिस सेलिब्रिटी से रूबरू करवाएंगे उनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अभिनेता संजय दत्त, जिन्होंने साल 1998 में रिया पिल्लो से शादी की, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिया संजय की दूसरी पत्नी थी। संजय की पहली पत्नी ऋचा शर्मा से उनकी शादी 1987 में हुई, लेकिन 1996 में ब्रेन ट्यूमर के चलते उनकी पहली पत्नी की मौत हो गई, जिसके बाद उन्होंने रिया से शादी की। और बताया जाता है कि संजय दत्त रिया पिल्लो से बेहद प्यार करते थे और संजय दत्त ने रिया का खर्चा तब तक उठाया जब तक उनका ऑफिशियली तलाक नहीं हुआ, और एलिमिनी के रूप में संजय दत्त ने रिया पिल्लो को 8 करोड़ और एक लग्जरी कार भी दी। रिया पिल्लो, संजय दत्त से तलाक लेने के बाद रिया टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस के साथ रहने लगी, लेकिन इन दोनों का रिश्ता भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। उन्होंने मीडिया के सामने एक दूसरे पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया, जिसके बाद रिया ने लिएंडर पेस से एलिमिनी के रूप में 4 लाख रूपये मांगे और 3 लाख अपने लिए और बाकी के 1 लाख उनकी बेटी की पढ़ाई के लिए। करिश्मा कपूर, बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने साल 2003 में संजय कपूर से शादी की। दोनों की शादीशुदा जिंदगी में शुरुआत से दिक्कतें थी और खबरों के मुताबिक करिश्मा ने तलाक के बाद संजय से एलिमिनी के रूप में 70 लाख रुपए मांगे। मलाइका अरोड़ा, बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा ने अरबाज खान से तलाक के बाद एलिमिनी के रूप में 15 लाख रुपए मांगे, जिसे देने के लिए अरबाज खान तैयार भी हो गए। ऋतिक रोशन, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋतिक रोशन और सुजैन खान के अलग होने की खबरें सुनकर हर कोई हैरान हो गया। दोनों की शादी साल 2000 में हुई, दोनों के अफेयर की खबरें भी बहुत चर्चाओं में रही, लेकिन इन दोनों का तलाक क्यों हुआ ये अभी तक कोई नहीं जान पाया। सुजैन खान ने तलाक के बाद एलुमिनी के रूप में ऋतिक से 400 करोड़ रुपए मांगे थे, जिसके बाद ऋतिक ने सुजैन को 380 करोड़ एलुमिनी के रूप में दिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज जिनका तलाक उन पर ही भारी पड़ गया। इनमें से कौन सी जोड़ी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जोड़ी का नाम लिखकर बता दीजिए। तो और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल बनाए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।